नॉनमेट का बुकलेट डिस्कस कर रहे हैं हम, ठीक है. सो लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 104. ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, और जिसके पास बुकलेट नहीं है मैं यहाँ पे वो सारी जो चीजें गिवन है वो लिख दूंगी, आप लोग ध्यान से सुनना और साथ साथ में सॉल्व भी करते जाना, ठीक है. हाँ, मूल कंसेप्ट क्वेश्चन नंबर 104, पेज नंबर 89, ठीक है. क्वेश्चन में बोल रहा है 2 मोलर ऑफ 100 ml Na2SO4, 2 मोलर और 100 ml Na2SO4 है हमारे पास, ठीक है, और 3 मोलर 100 ml NaCl है, और 1 मोलर 200 ml CaCl2 है, ठीक है. ये सारी चीजें आपकी गिवन है और हमसे पूछ क्या रहा है, देन द रेशियो ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ केटायन एंड एनायन. कंसेंट्रेशन पूछ रहा है, रेशियो पूछ रहा है किसका, केटायन और एनायन का, ठीक है. अब देखो ये गिवन है, इसका क्या मतलब है, यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, एमवी मोलारिटी इंटू वॉल्यूम क्या हो जाता है, नंबर ऑफ मोल्स, क्योंकि आपको मोलारिटी का सबको पता है फॉर्मूला क्या होता है, मोलारिटी का नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम. मोलारिटी इज व्हाट, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम. तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए या मिलीमोल्स निकालने के लिए अगर वॉल्यूम ml में गिवन है तो हम क्या कर देते हैं, m इंटू वी. अब हमें सबका मोल्स पता लग जाएगा, निकाल लेते हैं मोल्स. मोल्स निकाल लिया हमने, मिलीमोल्स निकालेंगे यहाँ पे, ठीक है. कितना हो जाएगा ये, चलो मोल्स ही निकालो, वो ये कितना हो जाएगा 0.2, ये हो जाएगा 0.3 और ये हो जाएगा 0.2. अब हमें केटायन देखना है इसमें, इस केस में केटायन कितना है, ट्वाइस है एनायन के, मतलब मोल्स भी कितना हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 0.4. इधर क्या है, बराबर है नंबर ऑफ मोल्स और नंबर ऑफ केटायन, नंबर ऑफ एनायन बराबर है, तो यहाँ पे उतना ही रहेगा. यहाँ पे भी क्या है, ये जितना मोल्स है उतना ही कैल्शियम है, कैल्शियम दो नहीं है, कैल्शियम एक ही है, क्लोराइड दो है, ठीक है, Ca+2. तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये भी 0.2. एनायन पे आते हैं, एनायन क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे क्या था, जितना नंबर ऑफ मोल्स इसका था उतना ही ये था, Cl कितना था, दोनों बराबर थे, और क्लोराइड कितना था इसके, ट्वाइस था, कितना 0.4. टोटल कितना हो गया ये, 4, 3, 7, 2, 9, और ये क्या हो गया, ये भी बराबर. ये क्या है, ये है आपके मिलीमोल्स, ठीक है. लेकिन हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है क्या, कंसेंट्रेशन. तो कंसेंट्रेशन के लिए हम क्या करेंगे, मोल्स को डिवाइड कर देंगे किससे, वॉल्यूम से. कितना वॉल्यूम है इसका, 100 और 200, कितना आ गया 400 ml. तो 400 इसको हम 0.4 भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे भी 0.4 है, यहाँ पे भी 0.4 है, वॉल्यूम तो सबका सेम ही है, तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा, 1, ठीक है, क्लियर है सबको. सो कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 103, इसमें क्या बोल रहा है कि मोलारिटी ऑफ क्लोराइड इन एक्वस सॉल्यूशन विच वाज वेट बाय वॉल्यूम, हमें क्या गिवन है, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज गिवन है किसका, 2% NaCl है, 4% CaCl2 है, एक ही सॉल्यूशन में है ये सारा, ठीक है, और 6% NH4Cl है, ठीक है. ये तीन चीजें हैं एक ही सॉल्यूशन में, वेट बाय वॉल्यूम है, मतलब 2 ग्राम NaCl है, 4 ग्राम CaCl2 है और 6 ग्राम NH4Cl है. ये सारे किस में, टोटल कितना है, ठीक है, टोटल हमारे पास वॉल्यूम कितना है, 100 ml. ये मैं सारा सिर्फ क्वेश्चन बता रही हूं, ठीक है. वेट बाय वॉल्यूम क्वेश्चन में क्या गिवन है आपका, कि 2% NaCl है,
4% CaCl2 है और 6% NH4Cl है। इसका क्या मतलब है कि टोटल सॉल्यूशन जो है वो 100 ml में से 2 ग्राम तो हमारे पास सोडियम क्लोराइड है, 4 ग्राम कैल्शियम क्लोराइड है और 6 ग्राम क्या है NH4Cl, दैट इज अमोनियम क्लोराइड। ओके, नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज हमें मोलारिटी निकालनी है। ध्यान देना हमें क्या निकालना है, मोलारिटी किसका निकालना है, क्लोराइड आयंस का। ठीक है, अब इन सब में से क्लोराइड आयंस निकाल लेते हैं। हाँ, ये एक ही सॉल्यूशन में है इसलिए मैंने टोटल वॉल्यूम क्या लिखा है सॉल्यूशन का, 100 ml। ठीक है, अब हमें जब अगर मोलारिटी पूछ रहा है तो हम क्या निकाल लेंगे, सबसे पहले इसका मोल्स निकाल लेंगे, निकाल लेते हैं। ठीक है, 2 ग्राम NaCl का क्या मतलब है, इसको हम NaCl का मोल्स निकालने के लिए क्या करेंगे, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। NaCl का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, NaCl not NH4 NaOH, ठीक है, 58.5। कंफ्यूज नहीं होना, अब इसमें क्लोराइड भी उतना ही होगा, 58.5 बेटा, 35.5 प्लस 23, इसमें जितना मोल NaCl का होगा उतना ही क्लोराइड आयन होगा। ठीक है, दूसरे में क्या बोल रहे हैं, 4 ग्राम CaCl2, 4 ग्राम CaCl2 का क्या मतलब है, 4 ग्राम अपॉन CaCl2 का कितना हो जाएगा, 71 प्लस 40, 111। ठीक है, इंटू टू, ये इंटू टू किस लिए किया है मैंने यहाँ पे, क्योंकि जितना भी क्लोराइड कैल्शियम क्लोराइड का जितना भी मोल होगा उसके ट्वाइस मोल होगा क्या आपका क्लोराइड आयंस का। ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, अब क्या आ गया आपका, 6 ग्राम ऑफ NH4Cl, मतलब जितना NH4Cl का मोल होगा उतना ही क्लोराइड आयन होगा, उतना ही मोल का। ठीक है, इसमें तो ट्वाइस होगा ना, क्योंकि यहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड क्या है, अगर 1 मोल कैल्शियम क्लोराइड लेते हो तो उसमें कैल्शियम का तो 1 आयन आएगा लेकिन क्लोराइड का कितना आएगा, 2 आयन आएगा। ठीक है, इसलिए इसका जितना भी मोल होगा उसका ट्वाइस होगा क्लोराइड, इसलिए यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, नाउ NH4Cl, NH4Cl का जितना मोल होगा उतना ही क्लोराइड का मोल होगा, तो ये क्या हो जाएगा, 6 अपॉन NH4Cl का कितना होता है, 53.5, वेरी गुड, 53.5। यहाँ पे हमें किसी से भी नहीं मल्टीप्लाई करना है क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, बराबर होंगे। यहां से आपका हमारा आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टोटल मोल्स आ गए। ठीक है, अब हमें क्या पूछ रहा है, हमें पूछ रहा है क्या, मोलारिटी या कंसेंट्रेशन। तो कंसेंट्रेशन या मोलारिटी निकालने के लिए क्या करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स को वॉल्यूम से डिवाइड कर देते हैं। और यहाँ पे आप लोगों में क्या किया होगा, इसमें एक और ऑप्शन गिवन है, क्योंकि ये जो आपका आ रहा है, ये वैल्यू जो आ रही है, ये सारी सॉल्व करके आ रही है 0.218। ठीक है, 0.218। अब आपको क्या करना है, इसको वॉल्यूम से डिवाइड करना है। कितना वॉल्यूम है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है, 100 ml है। किसी को 300 ml तो नहीं लग रहा कि 100 ये 100 ये 100 ये, 300 ml नहीं होगा, क्योंकि एक 300 ml अब डिवाइडेड बाय 300 ml करके भी एक आंसर गिवन है आपको इसमें 0.721। ठीक है, तो वो नहीं करना हमें, हमें क्या करना है, 100 ml से डिवाइड करना है। तो 0.218 अपॉन 100 ml है, ml नहीं करना है, हमें क्या करना है, लीटर्स में करना है, तो ये हो जाएगा 2.18 मोलर या मोल्स पर लीटर। क्लियर है सबको, चलो मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 94। जिसको बोर्ड क्लियर नहीं है थोड़ा बहुत आइडिया लगा लो, मैं बोल रही हूं, अगर सुनाई दे रहा है, वॉइस क्लियर है, तो आप खुद से भी सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि मैं हर चीज डिक्टेट करा रही हूं यहाँ पे। ठीक है, 94 क्वेश्चन पढ़ो, चलो क्वेश्चन नंबर 94 पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 94 पढ़ो। 94 में क्या बोल रहे हैं, ध्यान से सुनना, व्हाट वॉल्यूम
शुड यू मिक्स ऑफ 0.2 मोलर NaCl, हमें ज्यादा अंग्रेजी पे ध्यान नहीं देनी, उसमें डेटा क्या क्या दिया हुआ है वो ध्यान देना है, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है कि हमारे पास क्या है 0.2 मोलर NaCl और 0.1 मोलर कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है। सो दैट द रिजल्टिंग सोल्यूशन कंसेंट्रेशन ऑफ पॉजिटिव आयन इज 40% लेसर देन द कंसेंट्रेशन ऑफ नेगेटिव आयन्स, ठीक है। अगर कंसेंट्रेशन ऑफ पॉजिटिव आयन अगर x है तो कंसेंट्रेशन ऑफ नेगेटिव आयन क्या होगा, उसका 40% ज्यादा है। तो मैं अगर नेगेटिव आयन का कंसेंट्रेशन मान लो x है तो पॉजिटिव आयन का कंसेंट्रेशन कितना होगा, 0.6% 60% ऑफ x मतलब 0.6x, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। ये समझ में आ गया 40% लेस का क्या मतलब है, 0.6%, 0.6 टाइम्स, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है कि टोटल वॉल्यूम हमारे पास क्या है 1000 ml, या फिर इसको मैं बोल देती हूं क्या 1 लीटर, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर रही हूं वही चीज, अभी मैं दूसरे भाषा में बोलूंगी, सुन लेना, ठीक है। अज्यूमिंग टोटल वॉल्यूम इज 1 लीटर, अगर इसका वॉल्यूम अगर x है तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 1 - x हो जाएगा। अब देखो हमारे पास क्या है, टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव आयन देखना है। Na में कितना हो जाएगा, अगेन हम क्या कौन सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे, मोल्स का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। हाँ लीटर है, 1000 ml गिवन है, मैंने 1 लीटर मान लिया उसको, कोई दिक्कत? तो देखो क्या है कि अब हम यहां से हमें क्या निकालना है, हमें मोल्स निकालना है। मोल्स कैसे निकालेंगे, अगर ये 0.2 मोलर है और ये अगर x है, ठीक है, Na+ का कितना मोल हो जाएगा, 0.2x, ठीक है। क्लोराइड का कितना हो जाएगा, एक देती हूँ यहाँ पे, एनायन का कितना हो जाएगा, सेम बराबर हो जाएगा 0.2x, ठीक है। अब आते हैं कैल्शियम पे, कैल्शियम का इधर कितना हो जाएगा, जितना उसका मोल है, मोलारिटी है, और 1 - x, ठीक है। इसका कितना हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा, क्योंकि क्लोराइड क्या है, ट्वाइस है, तो यहाँ पे 0.2 1 - x, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ कैटायंस कितने हो जाएंगे, 0.2x 0.1 - 0.1x क्या हो जाएगा, 0.1 प्लस 0.1x, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.1 1 + x, ठीक है। देखो केटायन कितना हुआ, जितना केटायन उतना एनायन, हमने सिंपली क्या किया है, M1V1 किया है, 0.2 × x, ये हमारा क्या था, वॉल्यूम था, ठीक है। ये क्या है, 0.1 मोलारिटी है इसकी, और ये वॉल्यूम कितना है, 1 - x। अब ये केटायन कितना आ गया, केटायन एनायन, तो इसमें NaCl में बराबर है, तो 0.2x 0.2x, इसमें क्या हो जाएगा, 0.1 × 1 - x, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, 0.2 × 1 - x, क्योंकि ट्वाइस हो जाएगा। यहां पर क्या हो गया आपका, केटायन, टोटल केटायन हमने दोनों को ऐड कर दिया, और टोटल एनायन भी हमने ऐड कर दिया, 0.2x 0.2x कैंसिल हो गया, और ये आ गया आपका 0.2, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है कि ये 40% लेसर देन द नेगेटिव आयंस, ठीक है। तो पॉजिटिव आयन जितना भी है उसका 60%, नेगेटिव आयन जितना भी है उसका 60% कितना है, पॉजिटिव आयन, मतलब 0.1 1 + x इज इक्वल्स टू 60% ऑफ 0.2। सॉल्व कर लो इसको, ये क्या हो गया आपका, ये 2 हो गया, 1 + x क्या हो गया आपका, 12/10, ये क्या हो जाएगा, 10 + 10x इज इक्वल्स टू 12, और x आ गया आपका 1/5, मतलब 0.2 लीटर्स, ठीक है। NaCl कितना आ गया आपका, 0.2 लीटर को लिख सकते हैं 200 ml, तो ये 200 ml हो गया, तो ये कितना ml हो जाएगा, 800 ml। घबराना मत, इसका आंसर गलत गिवन है, इसका आंसर गिवन है 800 NaCl और 200 ClCl2, लेकिन उल्टा है, गलत है ये, नन ऑफ दीज कर लेना फिर।
फोर्थ ऑप्शन भी तो है ना, नन ऑफ दीज कर लेना। लास्ट पार्ट क्या है, बस ये सॉल्व किया हमने, लास्ट पार्ट में इसी एक्सप्रेशन को सॉल्व कर दिया है कि ये जो जितना पॉजिटिव है वो 60% ऑफ द नेगेटिव आयंस है। इसको हमने सॉल्व किया, हमारी x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू हमने यहाँ पे लिख दी 1-x है, 800 आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 93, सी ऑप्शन गलत है, सी ऑप्शन गलत है। इक्वेट कैसे किया, इसमें दिया हुआ है ना बेटा, जो लास्ट स्टेटमेंट गिवन है वो यही है कि कंसंट्रेशन ऑफ पॉजिटिव आयन इज 40% लेसर देन द कंसंट्रेशन ऑफ नेगेटिव आयन। मतलब पॉजिटिव आयंस का कंसंट्रेशन जो है वो 60% ऑफ द नेगेटिव आयंस के बराबर है। क्वेश्चन नंबर 93 रीड करो। क्वेश्चन नंबर 93 में क्या बोल रहा है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मास ऑफ प्योर NaOH। ठीक है, हमें NaOH का मास पूछ रहा है। अगर आप लोगों को कंफ्यूजन हो रही होगी, इसमें 1, 2, 3 में तो मास ही गिवन है, फर्स्ट ऑप्शन में और थर्ड ऑप्शन में तो 50 ग्राम मास ही है, लेकिन वो मास किसका है, सॉल्यूशन का। हमसे किसका मास पूछ रहा है, NaOH प्योर का। ठीक है, जिन बच्चों का डाउट है उसके लिए बता देती हूँ, बाकी सॉल्व कर लो बैठे बैठे। क्या बोल रहा है इसमें, पहला ऑप्शन, ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं। पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है कि 50 ग्राम ऑफ 40% वेट बाय वेट NaOH, 50 ग्राम ऑफ 40% वेट बाय वेट NaOH। इसका क्या मतलब है, ये जो 50 ग्राम है ना, ये सोल्यूशन का वेट है, NaOH का वेट नहीं। NaOH का वेट तो हमें निकालना है। वेट बाय वेट NaOH का क्या मतलब है कि अगर 100 ग्राम का सॉल्यूशन है तो उसमें कितना है, 40 ग्राम NaOH इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। लेकिन यहाँ पे सॉल्यूशन कितना है, 50 ग्राम है, तो ये आधा हो गया, तो ये भी आधा हो गया, कितना हो गया, 20 ग्राम पहला। ठीक है, दूसरा, दूसरा क्या बोल रहा है, 50 ml ऑफ 50% वेट बाय वॉल्यूम NaOH। मतलब अगर 50 ग्राम NaOH है तो कितना वॉल्यूम होगा उसका, सॉल्यूशन का 100 ml, लेकिन यहां पे कितना है, 50 ml, तो ये आधा हो गया, ये भी आधा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 25 ग्राम NaOH हो जाएगा। यहाँ पे डेंसिटी ऐसे ही दिया हुआ है कंफ्यूजन के लिए, क्योंकि हमारा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ही है, हमें सॉल्यूशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 96 पूछा था, ठीक है 96 भी कर लेंगे, पहले ये देख लो 50 ml। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, ये सेकंड ऑप्शन। थर्ड में क्या बोल रहा है, थर्ड में बोल रहा है 50 ग्राम ऑफ 15 मोलर NaOH। NaOH, ठीक है, और आपको डेंसिटी गिवन है सॉल्यूशन की 1 ग्राम पर ml। मतलब डेंसिटी क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम, लेकिन मोलारिटी है यहाँ पे, तो हमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए होगा, तो क्या हो जाएगा, डेंसिटी, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, मास बाय डेंसिटी। अब क्या है, डेंसिटी तो 1 ही है, तो आप वॉल्यूम के बराबर ही मास हो जाएगा, तो 50 ग्राम मतलब कितना हो जाएगा, 50 ml। वॉल्यूम कितना हो गया, 50 ml, ठीक है, और 15 मोलर NaOH है, यहाँ पे देख रहे हैं सबको, यहाँ पे सॉल्व कर देती हूँ। मतलब 15 मोलर का क्या मतलब हो गया, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, तो 15 इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स, और ये क्या है, 50 ml है, मतलब 50 × 10⁻³। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स कितना हो जाएगा, 750 × 10⁻³, तो मैं लिख सकती हूँ 0.75। ठीक है, 0.75 हो गया, तो नंबर ऑफ मोल्स, वेट निकालने के लिए क्या करेंगे, मोलर वेट से उसके मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 0.75 × 40, 0.75 को 3/4 लिख सकते हैं, तो 3/4 40, ये 10 में गया, ये क्या हो गया, 30 ग्राम। अब क्या करना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो सबको। ठीक है, क्लियर है सबको, क्वेश्चन नंबर 96 करते हैं। कौन सा, थर्ड वाला रिपीट करूं, थर्ड वाले में क्या है, 50 ग्राम गिवन है, कितना, 15 मोलर NaOH में। ठीक है, जहां पे भी मोलारिटी आएगी हमें क्या चाहिए होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमारा इजीली निकल जाएगा क्योंकि डेंसिटी गिवन है, तो डेंसिटी क्या, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, मास अपॉन डेंसिटी, डेंसिटी 1 ही है, तो वॉल्यूम जो होगा वो मास के बराबर हो जाएगा, ये 50 ml हो जाएगा,
फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, मोलारिटी का फॉर्मूला लगा देंगे। क्वेश्चन नंबर 96, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन H2O इज 0.2, द मोलालिटी ऑफ ए इन H2O इज। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 92 पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 92 पर आते हैं, 92 में क्या बोल रहा है, 250 ml। चलो 92 पढ़ो एक बार, 92 क्वेश्चन पढ़ो, 250 ml ऑफ 0.5 मोलर KCl डाइल्यूटेड विद वाटर। बताओ 92 में क्या करना है बताओ। क्वेश्चन रीड कर रही हूँ, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन में बोल रहा है कि 250 ml ऑफ 0.5 मैं लिख देती हूँ, क्वेश्चन में गिवन क्या है, फिर आप सॉल्व करोगे इसको। मोलर KCl का था हमारे पास, ठीक है। अब इसको डाइल्यूट कर दिया है, वाटर मिला दिया है इसमें, और कितना कर दिया है इसको, 500 ml कर दिया है, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि नंबर ऑफ क्लोराइड आयन्स पूछ रहा है, नंबर ऑफ क्लोराइड आयन्स कितना होगा। चलो सॉल्व करो, 2 मिनट दे रही हूं। M1V1 इक्वल्स टू M2V2, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा, जितने नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे KCl के होंगे, उतने ही क्लोराइड के भी होंगे। एक बार सॉल्व करके देखो, M1V1 इज इक्वल्स टू M2V2 डाइल्यूशन हो रहा है ना, जब भी डाइल्यूशन होगा नंबर ऑफ मोल्स तो उतने ही रहेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, 250 इंटू 0.5 इज इक्वल टू 500 इंटू M2, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा हाफ, M2 आ गया आपका 1/4, क्लियर है। क्लियर है सबको। अब क्या करेंगे हम, नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए हमें फिर से क्या करना पड़ेगा, M2V2 कर दिया हमने, कितना आ गया आपका 1/4, और V2 कितना था, 500 ml था, मतलब कितना हो गया 1/2, मतलब 1/8 नंबर ऑफ मोल्स कितना हो गया। फाइनल वॉल्यूम नहीं, ये फाइनली डाइल्यूट होकर ही इतना बना है, फाइनल वॉल्यूम 750 नहीं है। आपने कोई चीज आपने डाइल्यूट की, आपके पास पानी था, ठीक है, आपने उसमें और पानी मिला दिया, तो क्या उसका वॉल्यूम, आपके पास आधा लीटर पानी था, उसमें आधा लीटर और पानी मिला दिया, ये फाइनल सॉल्यूशन का ही है। ये बोल रहा है कि आपके पास आधा लीटर पानी था और उसमें आपने टोटल पानी मिला के उसको कितना कर दिया, 1 लीटर, तो टोटल वॉल्यूम तो 1 लीटर ही रहा ना। तो ये हो गया आपका नंबर ऑफ मोल्स। अब जितना नंबर ऑफ मोल्स KCl का है उतना ही क्लोराइड आयन्स का रहेगा। मोल्स कितना हो गया, 1/8। नंबर ऑफ क्या पूछ रहा है हमसे, क्लोराइड आयन्स। तो नंबर, जब भी नंबर ऑफ आयन्स या नंबर ऑफ पार्टिकल्स कुछ भी ऐसा पूछे, उसको हमें क्या करना है, Na से मल्टीप्लाई कर देना है। Na इज व्हाट, एवोगाड्रोस नंबर, क्या हो जाएगा, 1/8 इंटू Na, ठीक है। आंसर इसमें मैच नहीं कर रहा है शायद इसका, नहीं आंसर इसका मैच नहीं करेगा। आंसर क्या आएगा, 6/8 करोगे ना, तो 6/8 तो क्या 3/4 हो जाएगा, 0.75 आएगा आंसर, गलत है आंसर। M2V2 हमने क्यों किया, क्योंकि हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KCl निकल गया। अब हमारा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KCl निकलने के बाद हमने क्या देखा कि जितना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KCl होगा उतना ही क्लोराइड आयन होगा। नंबर ऑफ क्लोराइड आयन आ गया आपका 1/8, ठीक है। आपसे नंबर ऑफ क्लोराइड आयन पूछे तो Na से मल्टीप्लाई कर दो। हाफ वॉल्यूम क्यों, 500 ml है ना, ठीक है। 500 ml को क्या लिखते हो, आधा लीटर। क्वेश्चन नंबर 90 आ रही हूं मैं, 90 पर ही आ रही हूं, 90 क्वेश्चन सही है।
क्वेश्चन नंबर 90 पढ़ो, 90 में क्या बोल रहा है, 12.5 ग्राम ऑफ फ्यूमिंग H2SO4, ठीक है, जिसपे लेबल है क्या 112%, ठीक है, इज मिक्स्ड विद 100 लीटर ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना गिवन है आपको 100 लीटर। हमसे क्या पूछ रहा है, हाइड्रोजन का हमसे पूछ रहा है क्या कंसेंट्रेशन, ठीक है। अब देखो फ्यूमिंग H2SO4 सुन के आधे लोगों के दिमाग से फ्यूम्स निकलने लगे होंगे, ठीक है, यही है वॉल्यूम H2SO7, H2SO7 को ही बोलते हैं फ्यूमिंग H2SO4, ठीक है। ये आपका जब फ्यूम होता है तो ये आपका देता है H2SO4 प्लस H2O, ठीक है, ये ऐसा कुछ, इसको बैलेंस कर लेना। शायद ऐसा होगा, ठीक है, बैलेंस कर लेना। मेरा कहने का ये मतलब है कि ओलियम को हम फ्यूमिंग H2SO4 बोलते हैं, और उसमें जो H2SO4 की मात्रा है वो क्या है, बैलेंस कर लेना यार, छोड़ो मिटाई देती हूँ। इसमें जो H2SO4 की मात्रा है वो क्या है, 112% ऑफ 12.5 है, कहने का ये मतलब है कि अगर 12.5 है तो इसमें से H2SO4 निकलेगा क्या 112%, तो 112% ऑफ 12.5 कर लेते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, सॉल्व करो इसको, 112% ही है, ठीक है, 14 आएगा इसका, ये क्या आया आपका 14 ग्राम ऑफ H2SO4। हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे मोलारिटी पूछ रहा है, कंसेंट्रेशन पूछ रहा है, तो कंसेंट्रेशन के लिए नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे सबसे पहले, तो 14 अपॉन 98 कर लेते हैं, ठीक है। वॉल्यूम आपको गिवन है कितना 100, H2SO4 का कंसेंट्रेशन ये है, ठीक है, तो उसमें H कितना होगा इसके कंसेंट्रेशन के ट्वाइस, तो इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूं। इसमें 112% का मतलब यही है कि ओलियम अगर 12.5 ग्राम है तो वो हमें 112% इसका 112% H2SO4 देगा, फ्यूमिंग H2SO4 इसी को बोलते हैं, ठीक है। 12.5 ग्राम अगर ये है तो ये हमें 14 ग्राम मिलेगा, ठीक है, अभी बैलेंस हो गया, नहीं अभी हो गया शायद बैलेंस, 8, 10, 7, हाँ ठीक है, अब बैलेंस हो गया, हो तो छोड़ो, बैलेंस बैलेंसिंग हम बाद में करेंगे। ओलियम का ये यही मतलब है फ्यूमिंग H2SO4 का, कि ये अगर 12.5 ग्राम है तो ये हमें 14 ग्राम मिलेगा, इसका 112% मिलेगा। हमने वहां से नंबर ऑफ मोल्स निकालिए, और H प्लस कितना होगा, जितना H2SO4 होगा इसका ट्वाइस होगा, इसलिए 2 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब हम इसका सॉल्व कर लेते हैं, 14 × 2 = 98 × 100, ये देखो साथ में जाएगा क्या, 2 और ये 1 और ये 28, 14, ठीक है, ये हो जाएगा 7, तो आंसर आ जाएगा आपका 2/700। ओलियम नहीं कराया, लेकिन देखो क्वेश्चन से ही तो सीखोगे आप, ऐसे नहीं होता कि आपको कोई स्पेसिफिकली कराया जाएगा, बहुत सारी चीजें आप क्वेश्चन से भी सीखते हो, इसीलिए क्वेश्चन करना जरूरी होता है। क्या रिपीट करना है लास्ट पार्ट हमें, हमने क्या किया देखो, हमारा नंबर ऑफ मोल्स आ गया इसका 14, नंबर ऑफ ग्राम कितना आ गया 14 ग्राम, ठीक है, 14 ग्राम आ गया। अब हम H2SO4 का क्या निकाल लेते हैं, मोलारिटी निकाल लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 14/98/100, ये H2SO4 की मोलारिटी आ गई, इतना क्लियर है। अब H2SO4 जितना भी होगा उसका ट्वाइस क्या होगा, H प्लस होगा, इसलिए हमने इसको 2 से और मल्टीप्लाई कर दिया है और इसको सॉल्व कर दिया, फाइन।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 84. 84 पढ़ो. क्वेश्चन नंबर 84 में आपको बहुत ही लंबी चौड़ी कहानी सुनाई गई है, ठीक है, और हमसे बहुत भारी भरकम सवाल पूछा जा रहा है, ठीक है. कुछ भी नहीं है इसमें. क्या बोल रहा है कि एक ग्लूकोज का सोल्यूशन है आपके पास, ठीक है, उसको किसी रिसर्च लेबोरेटरी से लेकर आया गया है जिसपे मोल फ्रैक्शन एक्स गिवन है. मोल फ्रैक्शन उस पर लिखा हुआ है कि एक्स है और मोलालिटी गिवन है उसकी एम. ये सारी कहानी किस पे है? 10 डिग्री सेल्सियस पर है. जब आप उसको अपने लैबोरेटरी में लेकर आए अपने रिसर्च सेंटर पे, तब आपका टेम्परेचर वहां उस जगह का हो गया 24 डिग्री सेल्सियस. टेम्परेचर चेंज हो गया. तो बोल रहा है कि अब बताओ इसका ये दोनों की वैल्यू नई वाली क्या हो जाएगी. ठीक है, आप सबको पता है कि मोल फ्रैक्शन क्या होगा, कभी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा. ठीक है, मोल फ्रैक्शन अगर 10 डिग्री सेल्सियस पे था तो बाद में भी उतना ही रहेगा, कितना एक्स ही रहेगा. और मोलालिटी आपने पहले भी पढ़ा है कि मोलालिटी भी डिपेंड नहीं करता है किस पे, टेम्परेचर पे, तो ये भी एम रहेगा. लेकिन अगर मोलालिटी होता है यहाँ पे कैपिटल एम, तो क्या कुछ चेंज होता मोलालिटी? मोलालिटी इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, तो मोलालिटी प्लस माइनस कुछ भी डीएम कोई स्लाइड चेंज हो जाता उसमें. ठीक है, लेकिन ये दोनों एज इट इज रहेगा. वॉल्यूम डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम कैन एक्सपैंड और वॉल्यूम कैन बी कंप्रेस्ड आल्सो. नाउ कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 80. क्वेश्चन नंबर 80 पढ़ो सब लोग. मोलालिटी हमें निकालनी नहीं है इसमें. देखो इसमें बस ये पूछ रहा है कि चेंज होगा या सेम रहेगा, तो प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है. हमें एग्जैक्ट इसमें हमें रिसर्च नहीं करना, ठीक है, बढ़ भी सकता है घट भी सकता है, वो चेंज हमें नहीं कैलकुलेट करना. क्वेश्चन में चेंज कैलकुलेट करने को पूछा ही नहीं जाएगा, ये वो बहुत हाई लेवल का हो जाएगा. हम कोई रिसर्च तो कर नहीं रहे, हमें तो नीट या फिर जेई निकालना है ना, तो वो बस बोलेगा चेंज होगा कि नहीं. तो अगर मोलारिटी गिवन होगा तो उसमें आपको ऑप्शन में क्या होगा, प्लस माइनस डीएल, मतलब वो किसी भी छोटे या बड़े क्वांटिटी से बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है. ठीक है, आपको ऑप्शन ही ऐसे करके दिया रहेगा. क्वेश्चन नंबर 80 पढ़ो सबके सब. डेल्टा भी हो सकता है, डी भी, अगर छोटा चेंज हो तो फिर डी रहता है, अगर बड़ा चेंज हो तो डेल्टा रहता है. क्वेश्चन नंबर 80 में बोल रहा है अ सॉल्यूशन ए जिसका मोलर मास आपको गिवन है, पहले सुन लो, सॉल्यूशन ए है इसका मोलर मास गिवन है आपको कितना, 20, और सॉल्यूशन आपके पास बी है जिसका मोलर मास है 10. अब ये क्या बोल रहा है, मोल फ्रैक्शन इसका क्या है, 0.6. ठीक है, डेंसिटी भी गिवन है, डेंसिटी भी गिवन है आपकी क्या, 0.7 ग्राम पर एमएल. हमसे अब इसमें से मोलारिटी और मोलालिटी पूछ रहा है, तो ये सारे क्वेश्चन तो आप बहुत बचपन से करते हुए आ रहे हो, जब से आप 11th क्लास में आए हो तब से यही सारे क्वेश्चन कर रहे हो. ठीक है, अब इसमें बता दो जल्दी से फॉर्मूला क्या होता है. मोलारिटी का तो आपने सिंपली क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, ठीक है, उसको डिवाइड कर देना है वॉल्यूम से. अगर वॉल्यूम अगर आपको गिवन नहीं है तो वॉल्यूम हम 1 लीटर लेके चलते हैं. हर्षित गर्ग का सो हो गया सॉल्व, आंसर देख के मत बताओ. 745 वो तो ऑप्शन ही नहीं है. ठीक है, ये तो हो गया होगा ना सबका. क्वेश्चन नंबर 77 पर जाते हैं. 77 में क्या बोल रहा है, देखो 77 में बोल रहा है कि 40 ग्राम कार्बोनेट है ऑफ एन अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल. अल्कली मेटल क्या होते हैं, ठीक है,
फर्स्ट ग्रुप के, ठीक है, और अल्कलाइन अर्थ मेटल क्या होता है सेकेंड ग्रुप का. एनए के नहीं लिखते उसको, फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स बोलते हैं. ठीक है, थोड़ा पढ़े लिखो लोगों की तरह एक्ट करने लगो. और साइंस तो ले लिया है, अब क्या कर सकते हैं, पढ़ना तो पड़ेगा ना. सेकेंड ग्रुप, ठीक है, अल्कलाइन अर्थ मेटल क्या बोलते हैं सेकेंड ग्रुप को बोलते हैं. Containing some inert impurities was made to react with excess HCl. The liberated CO2 occupied 12.314 liters. ठीक है, अब इसको 40 ग्राम था, इसमें दोनों सॉल्यूशन थे. ठीक है, ए और बी ले लेते हैं. ए या बी हमें पता नहीं है, या तो ए था या बी था. अब ये क्या बोल रहा है कि HCl से इसका रिएक्शन करा रहा है जो कि CO2 लिबरेट किया जिसने, CO2 कितना किया 12.315 लीटर्स. ठीक है, एट 1 ATM एंड 300 केल्विन, 1 ATM एंड 300 केल्विन. ठीक है, करेक्ट ऑप्शन पूछ रहा है हमसे. ठीक है, इसमें क्या करेंगे, PV=NRT, R की वैल्यू क्या हो जाएगी. ठीक है, R की वैल्यू क्या हो जाएगी, जब भी केल्विन में गिवन रहे तो R की वैल्यू क्या लिखोगे आप, 0.08. ठीक है, PV=NRT से नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा तो वहां से हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स के बाद क्या करेंगे, मास निकाल लेंगे. ठीक है, मास से हमें पता लग जाएगा कितना इंप्योरिटी है. और हमें यह कैसे पता चलेगा कि मेटल क्या है, स्टोइकोमेट्री से. वेरी गुड. ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन से पहले करा दूं, किसको जल्दी है, 58 वाले को जल्दी है, 58 को ज्यादा जल्दी है, 63 को भी बहुत जल्दी है. इंप्योरिटी कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएगा, वहां से आपका मास निकल जाएगा, और 40 ग्राम आपका इंप्योरिटी के साथ मास है, और जितना आप नंबर ऑफ मोल्स से निकालोगे वो प्योर मास होगा. 58 करा देते, चलो भाई बहुत जल्दी है, इनको 58 कराते हैं. क्या बोल रहा है कि व्हेन, क्या है? इतना इजी से क्वेश्चन में डाउट. हाँ, जब हम गैसीय स्टेट पढ़ेंगे, थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे, तब आपको सब कुछ कराया जाएगा. अभी सिर्फ इतना याद रखो, PV=NRT, और अगर टी केल्विन में है और अगर पी एटीएम में है तो आर की वैल्यू आपने रखनी है 0.08. आज के लिए बस इतना ही. हम बाकी जो है आइडियल गैस इक्वेशन और ये सारी चीजें थर्मोडायनेमिक्स में तसल्ली से पढ़ेंगे. ठीक है, 58 में क्यों डाउट हो रहा है, ऑप्शन पुट करो दोनों में, देख लो कौन सा मैच कर रहा है. 58 में अभी भी दिक्कत है क्या, ऑप्शन इसीलिए गिवन रहता है आपका टाइम बचाने के लिए. 77 समझ में नहीं आया. ठीक है, मैं कराती हूँ. PV=NRT. ठीक है, PV=NRT के से हम क्या करेंगे, अब यहां पे हमारे पास P गिवन है, ये गिवन है, N हमें निकालना है और ये गिवन है. ठीक है, इसको हमने सॉल्व किया, हमारे नंबर ऑफ मोल्स क्या आ गए, नंबर ऑफ मोल्स आ गए ये. ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स यहां पे आ गए तो फिर हमारा क्या आ गया, वेट. वेट कितना हो जाएगा, मास यहां से कैसे निकालेंगे. ठीक है, 44 ग्राम्स होते हैं और 0.5 मोल है, इसलिए 22 ग्राम्स हो जाएगा, 22 ग्राम. अब इंप्योरिटी हमें पता करनी है, तो इंप्योरिटी कैसे निकालेंगे बताओ. क्वेश्चन नंबर 80 बताया तो मैंने अभी, क्वेश्चन नंबर 80 में क्यों डाउट हो रहा है. अगर ए फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है तो, ठीक है, अगर ए फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है तो वो HCl के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, AcO3. ठीक है, अगर फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है तो A2CO3 प्लस HCl
क्या बनाएगा आपका? ACl CO2 plus H2O. ठीक है, क्लियर है इतना? ये कितना मोल आया आपका? 0.5 मोल. और ये आपका कितना गिवन था? 40 ग्राम. अगर ये 40 ग्राम है, अगर ये 1 मोल है, तो ये कितना है? ये भी 1 मोल है. ये 0.5 मोल है, तो ये भी कितना है? 0.5 मोल है. ठीक है, और 0.5 मोल और 40 ग्राम कितना हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 58 क्लियर हो गया था सबको. क्वेश्चन नंबर 63 में क्या बोल रहा है कि 200 ml ऑफ गैशियस मिक्सचर है हमारे पास. जिसमें हमारे पास है कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और N2. ऑन कंप्लीट कंबशन इज इन जस्ट सफिशियंट अमाउंट ऑफ O2 शोड कंट्रैक्शन ऑफ 40 ml. 40 ml का कॉन्ट्रैक्शन शो किया. अब ये कॉन्ट्रैक्शन किस वजह से हो रहा है? ठीक है, इसका मैं आपको हिंट देके फिर मैं ये मैंने क्वेश्चन आपको ग्रुप पे भी भेजा है इसका सॉल्यूशन कई बारी. ठीक है, बच्चों ने ये क्वेश्चन बहुत बारी पूछा है, मैं भी आपको हिंट दे दे रही हूँ. नेक्स्ट क्लास में हम यहीं से फॉलो करेंगे क्वेश्चन नंबर 63 से. ठीक है, अभी मैं हिंट ये दे देती हूँ कि जब भी आप कभी आपका कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है किसकी वजह से? KOH ऐड करने की वजह से. तो KOH किसको कंज्यूम करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड को. ठीक है, ये जो ऑक्सीडेशन के बाद ये तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा और ये ऑलरेडी कार्बन डाइऑक्साइड है, इन दोनों को कौन कंज्यूम कर लेगा? KOH. ठीक है, और क्या बोल रहा है इसमें? When resulting gas was passed through KOH solution, it was reduced to 50%. Then calculate volume of CO2, CO and N2. ठीक है, अब इसका हिंट यही है कि ये जो भी कार्बन डाइऑक्साइड है, क्योंकि KOH जो है ना वो कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करके कार्बोनेट बना लेता है. ठीक है, ये N2 उसके साथ रिएक्ट नहीं करेगा. N2 तो क्या होता है? बहुत लेस रिएक्टिव होता है, ये अपने आप ही में बहुत स्टेबल होता है, ये रिएक्ट नहीं करता. लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो इसके साथ रिएक्ट करके इसका कार्बोनेट बना लेता है. ठीक है, थैंक यू.